प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। 16 दिसंबर 1978 का दिन जब एक युवा 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन को ज्वाइन कर रहा था। उनके पिता भी इसी यूनिट में थे। सेना में अपने सफर के दौरान उनके काम की इतनी चर्चा हुई कि सेना प्रमुख के पद से रिटायर होने के बाद अगले दिन ही 20 दिसंबर 2019 में उन्हें देश का पहला चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। हम बात कर रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शहीद बिपिन रावत की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वह पोस्ट जो सीधे सरकार को सेना के बारे में सलाह देता है। इसमें नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों ही सम्मिलित होती है। लंबे समय से इस बात को महसूस किया जा रहा था कि एक ऐसा पद होना चाहिए जो तीनों ही सेनाओं के बीच एक कड़ी का काम करे। इसके लिए सरकार ने CDS की स्थापना की। जनरल बिपिन रावत देश के पहले CDS चुने गए थे। पूरा देश तमिलनाडु में हुए दुखद हेलीकॉप्टर क्रैश से दुखी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत समेत सेना के कई सीनियर अधिकारी शहीद हो गए। देश ही नहीं दुनिया के कई दूसरे देश भी इस हादसे से हैरान हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। अमेरिका, रूस और पाकिस्तान सहित विभिन्न देशों ने बुधवार को CDS बिपिन रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया। अमेरिकी दूतावास ने रावत परिवार और दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। शहीद बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के उस परिवार में हुआ जहां कई पीढ़ियां देश की सेवा में अपना योगदान दे रही थीं। उनके पिता लक्ष्मण रावत आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे। बिपिन रावत ने अपनी स्कूली शिक्षा देहरादून और शिमला से पूरी की। इसके बाद वे नेशनल डिफेंस अकेडमी और इंडियन मिलिट्री अकेडमी पहुँचे जहाँ उन्हें स्वार्ड ऑफ ऑनर मिला। 16 दिसंबर 1978 को बिपिन रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन को ज्वाइन किया। जबरदस्त युद्ध कला, उच्च क्षेत्रों में युद्ध लड़ने की कला और आतंकवाद से निपटने के लिए उनकी रणनीति और समझबूझ के चलते सेना में उन्हें तेजी से तरक्की मिलती गई। मेजर जनरल बनने के बाद बिपिन रावत को 19वीं डिफेंस डिविजनरी उरी का कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर उन्होंने दीमापुर स्थित 3rd कॉप्स मुख्यालय का नेतृत्व किया। सैन्य करियर में बिपिन रावत 1 जनवरी 2016 को साउदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाए गए। इसके कुछ महीनों बाद ही 1 सितंबर 2016 को उन्हें भारतीय सेना का वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। 17 दिसंबर 2016 को उनके करियर का सबसे बेहतरीन दिन आया जब उन्हें सरकार ने भारतीय सेना का सेना प्रमुख बनाया। जनरल बिपिन रावत ने देश में 27वें सेना प्रमुख के रूप में काम किया। 31 दिसंबर 2019 को इस पद से वह रिटायर हो गए। वो गोरखा रेजिमेंट से आने वाले तीसरे ऐसे अफसर थे जिन्हें सेना प्रमुख बनाया गया। इससे पहले फील्ड मार्शल सैम मानकशा और दलबीर सिंह सुहाग इस पद पर थे। जनरल बिपिन रावत को यूनाइटेड स्टेट आर्मी कमांड और जनरल स्टाफ कमांड इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। जनरल बिपिन रावत को सेना में अपनी सेवाओं के लिए कई बहादुरी पुरस्कारों से नवाजा गया। इसमें परम वरिष्ठ सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, सामान्य सेवा मेडल, स्पेशल सर्विस मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, सैन्य सेवा मेडल समेत कई सम्मान शामिल हैं।